वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं आ, बहुत अरसे बाद मेरी दोनों खलाएँ आ रही थी मुजम्मिल को मुबारकबाद देने के लिए कि भाई माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे हैं अच्छा जी आ, मैं बना रही थी भखारे बैगन और आ, मैंने बनाया था चरखा प्लेटर ठीक है तो दोनों की रेसिपीज़ मैं देती हूँ बनाई दोनों चीज़ें थी लेकिन मेहनत वाली थी अच्छा जी यहाँ मैं शुरू करती हूँ भखारे बैगन की रेसिपी देना मैंने ये सारे मसाले ड्राई मसाले हैं ये सारे और मैंने ये फोर फ़ोर टेबल स्पून ले लिए थे खशकाश तिल ज़ीरा खोपरा धनिया साबुत और मूंगफली ठीक है ये सब फ़ोर फोर, -फोर टेबल स्पून है इसको मैंने आ, एक फ्राई पैन पे ड्राई रोस्ट कर लिया था हल्की आंच पे ठीक है तकरीबन पाँच से सात मिनट तक अच्छा हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ये निकालना नहीं है सूंदी सूंदी खुशबू आएगी तो आप समझ जाइएगा ये अच्छे से रोस्ट हो गए ठीक है अच्छा इसको जो है ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने एक बड़ी ट्रे में इसको फैला दिया था जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया उसके बाद मैंने मशीन में डाल के इसको मसाला बना लिया था पीस लिया था ठीक है एक मसाला तैयार कर लेंगे चलिए जी अब जो है दो किलो बैगन लिए थे अब ये मुजमिल भाई हैं और कैमरा है और हिलन जुलन है ठीक है बहुत हिलाता है मुजमिल कैमरा और बहुत मुश्किल से खड़ा होता है चलें जी दो किलो मैंने बैगन लिए थे बैगन जो है उसमें से चार तकरीबन ख़राब थे सही है अच्छा इसको चार पोर्शन में कर लेंगे थोड़ा सा डालेंगे बीच में नमक और थोड़ा सा डालेंगे मसाला इसको जो है हिलाएंगे थोड़ा सा यानी कि मिक्स करेंगे ताकि इसका पूरा कड़वापन निकल जाए नमक से और वो मसाले से ठीक है बैगन को इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है आप जाके वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं ठीक है अगर इस व्लॉग में आपको कोई चीज़ चीज़ मिस हो गई हो मुझसे या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वहाँ जाके तीन किलो के भगारे बैगन मैंने बनाए थे तो वो आप देख सकते हैं ठीक है दूसरी, दूसरी ये स्टेप एक दफ़ा और देख लीजिए बैगन लिया चार इसके पोर्शन किए सही है दो दो में डिवाइड किया नमक डाला उसको हिलाया आ, बैगन को मिक्स किया अच्छी तरीके से ताकि इसका पूरा कड़वापन निकल जाए पहले काट के पहले एक दफ़ा नीचे देख लिया आ, अंदर देख लीजिएगा कि कोई भी क्या कहते ख़राब ना हो बैगन ठीक है अच्छा जी ये मसाला लिया तकरीबन ये हाफ हाफ़ टी स्पून जो है ना ये मसाले में डाल रही हूँ नमक और ये इसका जो भु, भुना हुआ मसाला था ठीक है जी अच्छा यहाँ कड़ी पत्ते ले लिए तकरीबन पंद्रह से बीस पंद्रह मैंने ले लिए लाल साबुत मिर्चें और टू टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा तेल को गरम किया है पतीली ली कि तेल डाला उसके अंदर तेल को गरम किया उसके बाद ये तड़का डाल दिया कलौजी डाल दूंगी तकरीबन वन टेबल स्पून भर के ठीक है ये इसका है तड़का मसाला ठीक है इसको ज़रा सा हिला लेंगे अच्छा जी आप आ जाते हैं ज़रा प्याज की तरफ प्याज ले ली, ली थी मैंने तकरीबन पाँच बड़ी ये साइज़ की प्या प्याज ली है पाँच में से तीन आ, 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 प्याज को मैंने इस तरह भुना भून लिया था आग के ऊपर ठीक है आग के ऊपर भून लिया था और उसके छिलके समेत भूनना है ठीक है उसके बाद बाद में छिलका निकाल लेना है अंदर से बिल्कुल पिलपिली सी प्याज होगी उसको ऊपर का टॉप और बॉटम उसका काट के उसको ग्राइंड कर लेना है तीन प्याज मैंने भूनी थी इस तरह आग पर और फिर उसके बाद दो प्याज सादी रहने दी थी उसका टॉप बॉटम काट के छिलके उतार के उसको अच्छी तरीके से धोकर फिर मैंने अच्छा भुनी हुई प्याज को धोना नहीं है ठीक है अच्छा उसको ग्राइंड कर लिया प्याज डाल दी मसालों में आ जाते हैं वन टेबल स्पून भर के लाल मिर्चें वन टेबल स्पून भर के नमक वन टी स्पून डालेंगे हल्दी और टू टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट भर के ठीक है ये मैंने मसाले डाले थे मसालों के बाद अब जो वो वाला मसाला जो रह गया था जो भून के हमने पीसा था वो डाल देंगे साथ साथ और इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे ठीक है तकरीबन ये प्याज मैंने पहले भून ली थी तकरीबन दस मिनट दस मिनट बाद लाल मिर्चें नमक अदरक लहसुन और हल्दी डाली थी फिर भुना था तकरीबन पाँच सात मिनट फिर उसके बाद से ये ड्राई मसाला जो था वो डाला था ठीक है अच्छा उसके बाद इमली का पेस्ट पल्प है ये आ, तकरीबन ये आधा पाव था ठीक है अपने अंदाज़े से ले लीजिएगा पहले थोड़ा सा डालिएगा फिर उसके बाद देख लीजिएगा और पकने दीजिएगा इमली को इमली डालकर फौरन चखना नहीं है वरना खट्टा ही लगेगा उसके बाद मैंने सारे जो है बैगन डाल दिए थे बैगन डालने के जी बैंगन डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट इसको पकाया था और हमारे माशाल्लाह से बैंगन तैयार है ठीक है अच्छा यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चरखा पूरा और दो तिक्के के इस तरह पीस करवा लिए थे ठीक है अच्छा आप इसके मसालों की तरफ़ आ जाते हैं तीन टेबल स्पून है तिक्का मसाला तीन टेबल स्पून है मेहरान का लाहौरी चरखा मसाला ठीक है वन टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून है भुना हुआ पीसा हुआ ज़ीरा वन टी स्पून है गरम मसाला और नमक है हसबे ज़ायका और कम डालिएगा क्योंकि पैकेट्स में ऑलरेडी मसाला बहुत होता है तीन टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट चार से पाँच हरी मिर्ची और धनिया है थोड़ा सा ठीक है और यह आधा किलो दही है अब इन सारे मसालों को मैं जक में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी ठीक है ये चलेगा गए हमारे मसाले अच्छा और जो है ना साथ में मैंने सोया सॉस डाला था तकरीबन टू से थ्री टेबल स्पून वो क्लिप मिस हो गई है लेकिन मैं सोया सॉस ज़रूर डालती हूँ ठीक है तिक्के मसाले में और इतने मजे का ये मसाला बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ ये पेस्ट बन गया है जी अब मैं इसको इसके अंदर डाल के अच्छा ये वही पतीले लिए जिसके अंदर मुझे कुक करना है ठीक है मैरिनेट uh, उसी पतीली में करिएगा जिसके अंदर आपको कुक करना है ठीक है अच्छा अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से मसाज कर दूंगी चिकन का अच्छी तरीके से जब ये मसाला पूरा लग गया उसको मैंने कवर करके तकरीबन मैंने ये सुबह रात में मुझे ये पकाना था तो ये सुबह दस बजे का टाइम है और मैंने इसको ये फ्रिज में रख दिया था शाम में मैंने सात बजे निकाल के इसको स्टीम कर लिया था स्टीम करने के बाद मैं इसको फ्राई कर लिया था देखें कलर लाने के लिए सही है स्टीम कर लिया तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट में ये चरखा हो गया किया था और ये है साइड में इसका मसाला जो है वह मैं भून रही हूँ ठीक है जो पानी पूरा है जिसके अंदर मैंने स्टीम किया था वो उसका वो अलग से जो है ना वो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है ठीक है अच्छा राइस बनाने के लिए पतीला लिया पतीली के अंदर तकरीबन तीन से चार दरमिया प्याज मैंने सालन वाली काट के डाल दी है ठीक है राइस बनाने के लिए ठीक है अच्छा जी इसको भून लेंगे प्याज को लेकिन पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है खड़े मसाले डालने हैं जीरा टू टेबल स्पून थोड़ी सी डाली है लौंग दो इलायची बड़ी वाली थोड़ी सी डाली है आ, काली मिर्चें और दार चीनी के तीन चार पांच जो है ना वो मैंने टंडिया ले ली थी ठीक है ये गरम मसाला चले जाएगा गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से ज़रा सा हिलाना है मिक्स करना ये देखें अभी भी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं है ठीक है अच्छा दो क्यूब्स डालेंगे नॉर की क्यूब्स डालेंगे और दो टेबलस्पून स्पून भर के दो से ढाई टेबलस्पून भर के मैंने सॉल्ट लिया था वो बाद में भी आप टेस्ट कर लिएगा ठीक है ये डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें तकरीबन ली थी तक, दस से बारह वो ग्राइंड करके वो भी डाल दी थी सही है ये एक मसाला तैयार हो गया उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था सही है पानी डाल के मैंने बॉईल कर लिया उसके बाद उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे बहुत मज़े के ये कोई है ना प्लेटर्ड राइस जो है ना वो तैयार हो गए थे सही है कुछ और नहीं डालना है कोई और मसाले नहीं डालने सादे से ये मेरी मेरी रेसिपी है ये मेरे तरीके से बनने वाले राइस है जो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं ठीक है हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 ली थी अदरक लहसन लिया था उसको ग्राइंड कर लिया दोनों को एक साथ और वो डाल दिया था मसाले आपके सामने मैंने डाल दिए थे ठीक है ये मेरे राइस बिल्कुल तैयार हैं अब खाना निकालने का टाइम आ गया है प्लेटर लिया था प्लेटर के अंदर राइस फैला दिए थे चरगा ले लिया था चरखे को रख दिया था उसके ऊपर ये देखें ये मसाला मैंने बताया था आपको ये पक रहा है अब ये मसाला मैं उसके ऊपर डाल दूंगी ताकि बहुत ये लजीज मसाला और फिर बाद में भी सबने बना मांगा था कि ले आओ लेकर आओ तो छोटी सी कटोरी में मैंने मसाला भी निकाल के उनको दिया था उसके साथ बहुत मज़े का लग रहा था ठीक है ना अच्छा हरा धनिया डाल देंगे थोड़ी सी प्याज मैंने गार्निश कर दी थी इसके ऊपर डाल दी थी बहुत मज़े का मेरा जो है ना चरगा प्लेटर तैयार हो गया था जो सबको बहुत पसंद आया था माशाला से ये देखें आप इसकी लुक देखें चलिए जी अब आप देखें मेरा मेन्यू पूरा नेहारी थोड़ी सी मंगवा ली थी चलिए जी मेन्यू मेन्यू आपने देख लिया थोड़ी सी मैंने इन्होंने नहारी मंगवा लेकर आ गए थे ये कि बस दो चीज़ें तुमने बना ली बस सही है वरना तो फिर तबीयत ना ख़राब हो जाती है और चलिए जी इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ दूसरा जो प्लेटर था वो बच्चों के लिए था उसमें हरा धनिया और प्याज मैंने नहीं डाला था ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए लाइक करें कमेंट करें मैं इंतज़ार करूँगी आपकी फ़ीडबैक का मुझे दीजिए आप इजाज़त अपना बहुत ख्याल ख्यार रखिएगा अल्लाह हाफ़िज